किमर्थम, इसका जवाब दे रहे। आप जो है बारंबार जन्म लेते हो वो किस लिए? जब जब धर्म की है ग्लानी या हानि हो जाए तब तब मेरा और अधर्म का अभिवृद्धि हो जावे, तो अपनी माया से इन मायामय शरीरों के मैं निर्माण कर लेता हूँ। ये जो आपने कह दिया इसकी भी क्या जरूरत है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम, वेद मार्ग अनुगामिनाम साधूनाम, वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले उनको कहते हैं साधूना। सन्मार्ग गामिनाम इत्यर्थ, सन्मार्ग में चलने वाले जो लोग हैं उनको साधु। नहीं वैसे पहन लिया लाल पीला पहन लिया और ऊपर तिलक लगा लिया वो साधु हो गया, है नहीं साधु। ये चाहे इसलिए वर्णाश्रम धर्म जो वेदों में कथित वर्ण और आश्रम के धर्म, वही का पालन करना ही सन्मार्ग है। उसमें रहने वाले इसलिए ब्राह्मण क्षेत्र शूद्र चारों वर्णों वाले हो सकते हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम किसी भी आश्रम वाले हो, चारों आश्रम चारों वर्णों में रहने वाले कोई भी व्यक्ति हो वह साधु शब्द वाच्य हो सकता है यहाँ। इसलिए साधु शब्द रूढ़ नहीं है। सन्मार्गगामी जो कोई भी है वैदिक सनातन धर्म में कहा हुआ वर्णाश्रम धर्म को परिपालन करने वाला जो कोई भी व्यक्ति है वो साधु है। उन लोगों की रक्षा करने के लिए परित्राणाय इति परित्राणाय, उनकी चारों ओर से सब प्रकार से रक्षा करने के लिए हमने किया है। और दुष्कृतांच विनाशाय च समुच्चय अर्थ में यहाँ पर ये तीनों काम का समुच्चय है। तीनों काम को करने के लिए केवल एक काम करने के लिए नहीं आ रहा हूं, ऐसा कोई कर सकते हैं यहाँ। दुष्कृतांच विनाशाय, और दुष्कृत जो वेद मार्ग उन मार्गी लोग हैं है ना, असन मार्गी हैं उन मार्गी, असन मार्गी लोग हैं उन लोगों का विनाश कर रहे। विशेषण नाशाय इति विनाशाय, केवल नाश नहीं करता हूं मैं उनको, विशेष रूप से नाश करता हूं। विशेष रूप से नाश का मतलब क्या होता है? उनको मार के अपने में लय कर लेता हूं। जब भगवान जिसको भी मारते हैं वो भगवान में ही लीन हो जाता है। जितने भी राक्षस मारे वो राक्षसों का अभिशाप था, भगवान से उनकी मृत्यु होनी थी, मृत्यु और भगवान को भी प्राप्त कर जाते हैं, ये विशेष नाश। और बाकी सब तो मर रहे हैं, मर तो सभी रह रहे हैं, इसे उनको मारने के लिए जरूरत क्या? यहाँ मैंने कहा था अर्जुन का तीन प्रश्न उठ रहा है, श्लोकों को बताऊंगा सब। तो इसलिए विशेष में नाश क्या है, वो भगवान उसको अपने बाणों से या अस्त्रों से या हाथ से जैसे भी मारा होगा उसके माध्यम उसको पवित्र करके उसको सारा पाप को नष्ट करके अपने से अभेद कर देते हैं। और कई में तो साफ भागवत में जैसे यमला अर्जुन की कहानी आती है वहां साफ लिखते हैं, जो दामोदर भगवान करके गए बांध दिया था ना उसको खोखली में, उसको खींचते हुए गए और दोनों पेड़ को गिरा दिया बीचे फंसा करके। हाँ, जब पेड़ गिर गए दोनों पेड़ में जो राक्षस थे दोनों उनमें समाहित हो गए, ऐसे भागवत में साफ साफ सब का यही हाल है। वाल्मीकि रामायण में देखो श्लोक है, वाल्मीकि रामायण में 2:3:41 में क्या कहते हैं देखो, मच्छरी मच्छरिस्तम, मच्छर नहीं लेना मच्छरई मच्छरई तको च हो गया, छोटी इसे मच्छर बन गया शब्द तृतीय मच्छरई। मच्छर नहीं है हिंदी वाला मच्छर नहीं है, मच्छरिस्तम रणे शांतस, मच्छरिस्तम रणे शांतस तत पूतो भविष्यसि, उसी से तुम पवित्र हो। ये सब के साथ इसीलिए कहते हैं अब रावण क्यों प्रश्न उठा ना, रावण इतना अत्याचार किया उसको भगवान ने अपने में लय कर लिया, ऐसे क्यों कर लिया आपने? तो रावण ने खुद पूछा आप ऐसे कैसे कर रहे हो, कहते तुम तो सारा पाप धुल गया मेरे बाणों से, मेरे बाण लगते गए तुम्हारे जितने पाप था सब खत्म। कहीं मुक्का मुक्के मारे, मुक्काबाजी से मारा राक्षसों को कृष्ण भगवान मल्लयुद्ध में,
चाणु मुष्टिक इन सबको। तो इस तरह से अनेक प्रकार से यह मत्सरी दृष्टांत है। इसी प्रकार से जिन किसी भी साधनों से मारा है वे साधनों के माध्यम से परमात्मा उसको पूर्ण पवित्र करके अपने में लय कर लेते हैं। इसलिए विनाशाय शब्द प्रयोग करते हैं दुष्कृताम अर्थात रिपुणाम भी वत्सल इत्यर्थ है। वह रिपु वत्सल भी है, वो भक्त वत्सल तो है और रिपु वत्सल भी है। इसे ये कहने का था। और दुष्कृताम साधनम बहुवचन प्रयोग करने से यह शंका हो सकता है एक के भला के लिए कभी आते नहीं भगवान फिर तो। जब बहुतों का बड़ा बुरा दशा हो जाए तब आएंगे। ये तो फिर गड़बड़ हो गया पुराणों की कथा। एक गजेंद्र मोक्ष में क्या हुआ था, अकेला हाथी दुखी था, सारा संसार थोड़े दुखी थे, सन्मार्ग में सब दुखी थोड़े थे, नहीं थे। एक प्रहलाद को प्रताड़ना दिया जा रहा है, बाकी सब खुश है। किस को क्या परेशान किया उसने, केवल प्रहलाद को परेशान कर रहा था मुख्य रूपेण। तो फिर भी भगवान आ गए। इसलिए बहुवचन जो अविवक्षितम भवति, बहुत्वम अविवक्षितम समझना। एक साधु का हो चाहे अनेक साधु हो चाहे दो साधु हो तो भी सभी के लिए होगा अवतार। कि इसलिए स्फूर्ति अवतार एकस्य कल्याणार्थम अस्तु, उसको कहते हम लोग स्फूर्ति अवतार। भगवान जो है आ गए गजेंद्र मोक्ष में, प्रहलाद के लिए नरसिंह अवतार रूप में आए, इस स्फूर्ति अवतार कहा जाता है। और जब अंशावतार होता है वो अनेकों का कल्याण, जैसे राम कृष्ण वगैरह क्या है अंशावतार। ये समझना अंतर को आएगा थोड़ा ठीका में कहेंगे, उस विषय में जाएंगे। धर्म संस्थापनार्थाय तीसरा काम बता दिया, धर्म संस्थापना करने के लिए। कोई शंका कर सकता है साधुओं की रक्षा से ही सन्मार्गामी रक्षा धर्म की रक्षा तो हो गई, कहते नहीं 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 ऐसा नहीं होता। सन्मार्गामियों की रक्षा तो अनित्य है, उससे नहीं होगा ना। सन्मार्ग गामियों की रक्षा करने से वो जब तक वो है तब तक रह गया, बाद में वो तो मर जाएंगे सब। इसे कहते नहीं, उनके माध्यम से हम धर्म की स्थापना करते हैं। केवल व्यक्ति की रक्षा मुख्य नहीं है, व्यक्ति के आचरण की रक्षा, व्यक्ति की संस्कृति की रक्षा मुख्य है। वो मेरा मुख्य लक्ष्य होता है। वह इसके लिए गौण व्यवहार क्या है, दुष्कृतों का नाश और साधुओं की रक्षा, ये गौण है। मुख्य है धर्म संस्था। ये तदर्थ संभवामी युगे युगे, युगे युगे मैंने एक वचन हो गया, मैंने एक युग में एक अवतार करता हूं। ये तो गड़बड़ है, चार युग में चार अवतार होगा, तो 20 अवतार कहां से करना, 24 अवतार प्राणों के विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए यहां पर एक वचन अविवक्षितम करना पड़ेगा। वहां बहुवचन अविवक्षितम था, यहां एक वचन अविवक्षितम। अथवा युग शब्द का अर्थ रूढ़ मत लो, युजुर योगे, युजुर योगे मतलब काल संयोगे। युग शब्द का अर्थ सामान्य काल संयोग में ले लो, जिसको भगवान पुरुष लोग में कहा यदा यदा, सामान्य काल संयोग है। जब जब धर्म के हानि काल आ जाए उस धर्म हानि काल को युग शब्द से कह दिया, काल संयोग रूपा विशेषण में युजुर योगे धातु से योग शब्द बना दिया, युग शब्द बना दिया। युजुर योगे धातु से युज धातु से युग शब्द बना, का प्रत्यय करेंगे तो युगा, घय करेंगे तो योग, प्रत्यय वेद है। इसलिए यह युग गण से चतुर्युग वाला युग में रूढ़ नहीं लेंगे किंतु योगी कर दिया। काल विशेषेण युज्यते धर्म हानि यदा यदा तदा तदा युगे युगे अर्थ। इस प्रकार से उत्पत्ति करता हुआ इसको यौगिक कर्त में युग शब्द को ले लेंगे। काल विशेष संयोग है जिसका संकेत पूर्व में है, ये यदा यदा धर्मस्य श्लोक में भाष्य किमर्थम इसका जवाब दे रहे हैं। परित्राणाय, परित्राणाय परिरक्षणाय साधुनाम सन्मार्ग स्थान, परिरक्षणाय परिरक्षा, परिधा रक्षा इति परिरक्षा, तस्मै परिरक्षणाय किनका, साधूनाम सन्मार्गस्थानाम, जो सन्मार्ग में स्थित उन लोगों का विनाशाय चतुष्कृताम पाप कार्यणा, जो उन्मार्गामी है असन्मार्गस्थ है
पाप कर्म करने वाले हैं उनके नाश करने के लिए। अर्थात अधर्म को अभिवृद्धि करने वाले, धर्म को अभिभूत करके अधर्म को अभिवृद्धि करने वाले लोगों को मैं मार दूंगा, और अधर्म को अभिभूत करके धर्म का अभिवृद्धि में सहयोग देने वाले उनकी मैं रक्षा करता हूं। प्रश्न उठेगा, जब वही सब में प्रवेश हो रखा है, हैं? ये दुष्कृत भी कौन है? वही है ना, नाश करने क्यों आ रहा? एक पक्ष। दूसरा निर्घृण दोष, वैषम्य निर्घृण दोष आ गया यहां पर। आपके कहा वेद को पालन करने वाले के प्रति बड़ा दया करते हो आप, और आपके वेद को नहीं पालन करेंगे उसको मार डालोगे आप, वैषम्य निर्घृण दोष है। कहते नहीं होता, इसलिए हमने कहा रिपुवत्सल भी है, वात्सल्यता दोनों में समान है, दोनों के प्रति, चाहे भक्त चाहे शत्रु, दोनों के प्रति समान वात्सल्यता है, कारुण्यता है, कि दोनों का उद्धार करना ही उसका काम। एक का परिरक्षा के द्वारा उद्धार है, दूसरे का हनन के द्वारा ही उद्धार है, दोनों की भला है उसमें। इसमें बड़ा सुंदर दृष्टांत गुरु नानक की कहानी आती है। गुरु नानक जी ने, या किसी संत का शायद है, जो भी है, एक जगह चतुर्मास किए थे, उस गांव वालों को उन्होंने आशीर्वाद दिया, आप लोग जो है बिखर जाओ, गांव उजड़ जाए, ऐसा आशीर्वाद, ये गांव उजड़ जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। लोगों ने सोचा इतना हमने सेवा किया, भक्ति श्रद्धा कथा प्रसंग सब चला, और हम लोग को कहते उजड़ जाओ, करें चलो महात्मा की मर्जी, चुप रहे। फिर उसके बाद थोड़े अगले गांव में चला गया, दूसरे गांव के बाद एक गांव में रहे, वहां उनको आशीर्वाद दे, गांव सदा बसा रहे। सब दुष्टों का गांव था, जिनको रोटी भी तंग करके दिया, काम करा करके रोटी दिया, उसको कहते यहीं बसे रहो तुम लोग। ये पता चल गया उन लोगों को, उन्होंने घेर लिया महात्मा को, आपने इसे कैसे कर दिया, हम लोग को उजड़ जाएगा और दुष्टों के गाँव के बसा रहे। कहते यही दोनों में भला है, कि अब दोनों में ही भला नहीं बल्कि संसार का भला है। कहते कैसे? तुम उजड़ जाओगे, तुम्हारे तो सदगुण खान हो, तुम्हारे तो सदगुण है, और तुम जहां भी जाओगे सदगुण ही तो बिखरेगा। जैसे फूल है, जहां भी ले जाएगा वो क्या देगा? सुगंधि तो देगा, और टट्टी जहां भी जाएगा दुर्गंधि तो देगा। उसी प्रकार ये दुष्ट जहां भी जाएंगे क्या करेंगे? वो जहां जहां जाएंगे, जो जो संग में आएगा उन सबको दुष्ट बना डालेंगे ना ये। इसलिए मैंने इनको आशीर्वाद, तुम लोग यही बने रहना, तुम कहीं मत जाओ, तुम्हारा गांव यहीं बसा रहे, यही तुम फलो फूलो, ताकि दुनिया में कोई और दोष फैले नहीं। और तुम सदगुण पुरुषों को मैंने उजाड़ दिया, ताकि जहां तुम जाओगे वहां असदगुणी जो यत्किंचित कोई रहेगा, तुम्हारे संपर्क सदगुणी हो जाएगा। तद्वत यहां पर भगवान करते हैं, संतों की दृष्टि अभेद दृष्टि, दोनों की तुलना है, इसमें उसकी भला है और उसमें भी उसकी भला है। और पाप कर्म को फैला नहीं रहा है तो ये उसकी भला है, और पुण्य कर्म को फैलाता है उसमें उसकी भला है। इसे बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है श्रीधरी ने, लालने ताड़ने मातुर ना कारुण्यम यथार्भके तद्देव महेशस्य नियंतुर्गुण दोषयोः। जैसे माँ माता है, उसमें अकारुण्यम न अकारुण्यता नहीं होती है, किसमें? अर्भक के बच्चे के प्रति लालने तारने च, प्यार भी करती है पिटाई भी करती है, लेकिन प्यार करते कोई राग नहीं है, पीटते कोई द्वेष नहीं होता, और दोनों ही कर्म केवल बच्चे का हित के लिए ही होता है। तद्वत्य महेश्वर है महेशस्य गुण दोष नियंत हो तद्वदेववदी यथार्भके, तथा इस महेश्वर का भी गुण और दोषों का नियंत्रण करने वाला महेश के प्रति में क्या है? उसी प्रकार से अभेद दृष्टि होता है, न उसमें राग है न द्वेष है न वैषम्य है, नहीं ऋण दोष आ सकता है, नहीं होता है। भाष्य परित्राणाय परिरक्षणाय इत्याचरणाय विनाय दोष पापकारिणां किंच धर्म संस्थापनार्थाय, धर्मस्य सम्यक स्थापन, धर्म का सम्यक स्थापना करना। हाँ,
ग्लानि मैंने हानि, हानि करते मैंने क्या बदला, अभिभव होना। और उस अभिभूत को समय स्थापन कर मतलब क्या हुआ, पुनः अभिव्यक्त करना। जो अभिभूत को अभिव्यक्त करना ही समय स्थापना है। अरे भाई ठीक से दिखाओ, बोलते हैं ना सामान है, दुकानदार है मान लो, सब इधर उधर पड़ा है, उसे सामने खोल के दिखाता है ना, तो समय स्थापना करना है सामने, ग्राहक के सामने वस्तु को स्थापना कर दिया, तो मतलब क्या नया कोई पैदा किया गया, फायदा कुछ नहीं करता। वह अनभिव्यक्त अवस्था में था, अभिभूत होकर पड़ा है, अलमारी के अंदर दबा हुआ है, उसको अभिव्यक्त कर दिया, सामने रख दिया। इसलिए पूर्व में जो ग्लानि हानि करते हमने क्या कहा था, अभिभूत होना, अभिभव हो गया है। और अब समय स्थापन का मतलब उसको अभिव्यक्त कर देना। तदर्थम संभवाम युगे युगे प्रतियुगम इत्यर्थ, उसी के लिए ही मेरा बारंबार जो है मायामय शरीर का उत्पत्ति संभवानी सम्यक उत्पादयामी युगे युगे प्रतियुगम भवति इत्यर्थ। यहाँ थोड़ा भाष्य दृष्टि पे अंतिम चार पंक्ति देखिए। कोई कह सकता है नहीं, वसुदेव आदि रक्षण न कंसादि वधेन च कसचित धर्म सुस्थापन भवति। वसुदेव को जेल से छुड़ा दिया और कंस को मार डाला, इतने से धर्म की स्थापना नहीं होती। वसुदेव आदि साधुओं का रक्षा कर देना, कंस आदि दुष्कृतों का नाश करने मात्र से धर्म की स्थापना नहीं हो जाती है। कसचित धर्म स्थापना नहीं भवती, धर्म स्थापन हेतुभूत एतत् कर्म द्वय अकर्तुर व्यासावतारस्य धर्म संस्थापनार्थस्य वैयर्त्यापत्तेश्च। नहीं तो भगवान का व्यास अवतार व्यर्थ हो जाएगा। उन्होंने न किसी को मारा, न किसी को जेल से छुड़ाया, न साधु पुरुषों की रक्षा करी उन्होंने किसी तरह, न असाधु पुरुषों का मारा है उन्होंने। उनने केवल वेदों को बना दिया, संकलन कर लिया, पुराणों को लिख दिया, दुनिया का भला कर दिया। उसको भी भगवान नारायण का अवतार मानते कि नहीं मानते, फिर कैसे होगा अवतार? उन्होंने धर्म की स्थापना तो किया, उन्होंने भी इस प्रकार से धर्म शास्त्रों का प्रकाशन करके धर्म ज्ञान दे तद्वारा धर्म की स्थापना तो किया एक तरह से उन्होंने, उनमें कैसे घटेगा? इसीलिए हमने शुरू में कहा था ना, पर साधु का परिरक्षा और दुष्कृत का नाश मात्र से धर्म की स्थापना नहीं होती। इसे धर्म की स्थापना का अनेक प्रक्रिया है, जैसे व्यास ने किया वो भी धर्म रक्षा ही था, धर्म का स्थापना ही था। इसे कहते हैं धर्म स्थापन हेतुभूत एतत् कर्म द्वय अकर्तु, है ना, व्यास ने ये दोनों कर्मों को नहीं किया। व्यास अवतारस्य धर्म संस्थापनार्थ वैयर्थ्य आपत्ते है, उसका अवतार ही नहीं कह सकते आप, या तो अवतार व्यर्थ कहना पड़ेगा, फालतू का है, बिना किसी को मारे, किसको जैसे छुड़ाए बिना चले गए, बेकार अवतार हुआ, व्यर्थ अवतार है वो, ये आपत्ति हो जाएगी। तथा च कदाचित एकस्मै कदाचित भाव्यम कदाचित सर्वस्मै प्रयोजनाय भगवद अवतरणम इति ध्येयम्। ठीक है ना, इसलिए कभी एकाद का भला के लिए भी आ सकते हैं, कभी दो का भी भला के लिए आ सकते हैं, कभी सारी दुनिया की भला करने के लिए वेद व्यास जैसे भी आ सकते हैं। सारी दुनिया की भला वेद व्यास ने कर दिया है ना, जन जीव जीव सामान्य मनुष्य सामान्य की वृद्धि वेदों को दे दिया। इस प्रकार से इसलिए अवतार का लक्ष्य एक या दो या बहुत नहीं, इसलिए हमने कहा था बहुवचन अविवक्षितम, एक वचन च अविवक्षितम, एक का दो का बहुत का सभी का प्रयोजन के लिए भी हो सकता है। और इनका जन्म माइक है, कर्म दिव्य है, इसको जानने वाले को क्या होगा और इसमें जाने की जरूरत क्या? अब इस श्लोक में जाने से पहले अर्जुन के सारी शंकाएं बता रहा हूं। अर्जुन कहता है ये तीन काम करने के लिए जो आप बोल रहे हो मैं आया हूं, ये तीन काम के लिए जन्म लेने की जरूरत क्या है? माया सूत्रेण सर्वेशां धियो यो नर्तयत्यपि, माया सूत्रेण सर्वेशां धियो यो नर्तयत्यपि, अपने माया सूत्र के द्वारा सारी की बुद्धि को नचाने वाले आप मारने के लिए इनको यहाँ आ रहे हैं। कर्तुं त्रिण्यपि कर्माणि,
कर्तुं त्रीण्यपि कर्माणि प्रयासस्तस्य कः परः। इतने महान प्रयास करने की क्या जरूरत है आपको? जीव प्रेम माया सूत्र सदर दुनिया को नचाने वाले भ्रामेण सर्वाभूतानि अंतरारूढानि माया, और इन राक्षसों को क्या अंतरारूढ माया नचा नहीं सकते थे आप? उसे जन्म लेकर कि इतना बड़ा मेहनत किया, कुश्ती करके मार रहे हैं, क्या लफड़ाएंगे सब? उसके लिए गोकुल में पैदा होना पड़ा, पर कुश्ती सीखना था ना वहां पर। शहर में कहां से सीखेंगे कुश्ती? गांव में तो बढ़िया है ना, गवार कुश्ती खेलते हैं, इसलिए वहां जन्म लिया कुश्ती सीखने, और सीख करके आए। ये सब क्या नाटक है? एक पहला प्रश्न तो यह है। दूसरा प्रश्न क्या डालता है? यस्य आयुधम जागृति काल चक्रम युद्धेत दैत्य सयुधा किमर्थम। जिसका सबसे बड़ा आयु क्या है? काल चक्र। वह अपने आप उनकी मौत लाएगा ना। किसकी मौत रुका है? किसी की मौत रुकती है? यस्यायुधं जागृति काल चक्रम युद्धेत दैत्य समुधा किमर्थम। व्यर्थ मुधा माने व्यर्थ ही, किमर्थम दैत्य युद्धेत। दूसरा प्रश्न। तीसरा कहता है इसी श्लोक का उत्तरार्थ, संकल्प मात्रेण च यः क्षिणाति, संकल्प मात्रेण यः क्षिणाति ब्रह्मांड कोटि स कथम प्रयत्येत। जो ब्रह्मांड कोटि, करोड़ों ब्रह्मांड को भी संकल्प में जो क्षीण कर सकता है, इतनी बड़ा प्रयास क्यों कर रहा है? तो भगवान भी जवाब बड़ा सुंदर देते हैं, बेटा मैं समझ रहा हूं तेरे मन के सारे प्रश्न। हाँ, मेरा जन्म क्यों हुआ तुम जान नहीं पाए, प्रयोजन बता रहा हूं। देखो पहले वाल्मीकि रामायण को बताऊंगा। वाल्मीकि रामायण में भी यही प्रश्न उठा, यही प्रश्न लक्ष्मण ने डाला राम से, क्या जरूरत है? आप तो पुरुषोत्तम भगवान है, संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हो। आज जो एक राक्षस को मारने के लिए इनसे मित्रता का भीख मांग रहे हैं, उनसे मित्रता का भीख मांग रहे हैं, क्या ये तमाशा है? पुलिया बना रहे हैं और पुलिया बनाने नहीं दे रहा है वरुण देवता, उस पर गुस्सा हो रहे हैं, क्या ये सब? समुद्र तट पर जब लक्ष्मण ने प्रश्न डाला तो भगवान कहते हैं, राम रूप औदार्य गुण ही पुंसाम, रूप औदार्य गुण ही पुंसाम सृष्टि चित्तापहारिणाम। कहते हैं दृष्टि चित, दृष्टि चित्तापहारिणाम, मैं इस दुनिया के लोगों की दृष्टि में जो ताप है, चित्त में जो ताप है, उसके हरण करता हूं मेरे अपने रूप औदार्य मेरे चित चरित्र और गुणों के द्वारा। इसके लिए मुझे लीला करनी पड़ती है, मैं लीला ना करूं किस रूप का ध्यान करेंगे दुनिया? जो ये संसारी जीवात्मा है दुखी है, ये संतप्त है, ये किसको देखकर तृप्त होएगा? भगवान राम का चित्र कदर तृप्त होगा, इस रूप को देख करके तृप्त हो जाता है। कितने लोग भगवान कृष्ण के फोटो रखते हैं, वो बाल कृष्ण को बड़ा प्यारा लगता है, सबको अच्छा लगता है, उसे तृप्ति हो रही है, मन संतुष्ट। यदि अवतार न लिए होते तो उसका चित्र देखते, बंदरों का चित्र देखते क्या हम तृप्त होते उससे? इसलिए कहते हैं रूप औदार्य, मेरे चरित्र की कथा गाएंगे लोग, और कथा गाते हुए चरित्र का संकीर्तन करते हुए आनंदित हो जाएंगे लोग, उनका दुख का नाश हो जाएगा, और मेरे गुणों का अनंत गुणों में कुछ गुणों को लीला द्वारा दर्शाता हूं, जिसका कथन के द्वारा सबका भला हो सकता है। इसे दृष्टि चित्त ताप हारिणा, ये सारे मेरे गुण हैं, पुंसाम पुरुषों के इसका नाश करने के लिए मैं ऐसा अवतारों को लेता हूं। वाल्मीकि रामायण में 2329 में कहा, महाभारत में जो और अर्जुन को जो जवाब दिया, अर्जुन के प्रश्नों का देखिए 3 श्लोक। मुख्यं तु कारणम इदम अवतारे मम अर्जुन, मुख्यं तु कारणम इदम अवतारे मम अर्जुन, क्या यज्जन्म कर्म निमग्न,
जीव दुख निवारण, जिन्होंने जन्म अपने कर्मों में, जन्म और कर्म के चक्र में निमग्न है, जो ऐसे जीवों के दुख का निवारण करने के लिए मेरा अवतार है। ये मारना वारना नहीं है, धर्म संस्थापना भी नहीं है, मेरा लक्ष्य। इसे कहते हैं मुख्यंतु कारणम इदम्। मेरे अवतार का मुख्य कारण यह है कि जो जीव जन्म और कर्म में डूबे पड़े हैं, इनके दुख का निवारण करना है। पहला प्रश्न का जवाब दे दिया, मैं सबको नचा रहा हूं, निश्चित माया सूत्र के द्वारा सबकी बुद्धि को नचा रहा हूं, मैं इनकी भी बुद्धि को नचा सकता था, फिर भी मेरा अवतार जो है इनको नाश करने के लिए भी नहीं है, साधु की रक्षा करने के लिए, धर्म संस्थापन सकल जीवों का दुख का निवारण करने, तो कैसा हो सकता है? क्योंकि उपायांतर अन्यत्र कर्तुं शक्नोमि पांडव, मैं और भी उपाय कर सकता था हे पांडव, जीवानां दुख संसार रोगम ते तत् महौषधम, लेकिन मैंने निर्णय लिया नहीं नहीं, जीवों का दुख संसार रूपी जो रोग, दुखमय संसार भी रोग का एकमात्र महान औषधि है तो अवतार लेकर लीला करना ही, इससे कैसे उनका दुख का शमन हो जाएगा? आपके अवतार और लीला करने से, ये सब ड्रामाबाजी करने से उन लोगों के दुख का धारण कैसे हो जाएगा? अरे शमनम भव बाधाया, शमनम भव बाधाया नास्त्येव अन्यत् सुभैषजम्। इस भव बाधा का शमन के लिए अन्य कोई सुष्टु भेषज दवाई नहीं है। क्या दवाई फिर? समूकाशम समूलकाशम कशति, समूलकाशम कशति मच्चरित्र कथात्तिमान, मच्चरित्र कथात्तिमान समूल काशम कशति, मूल से जड़ सहित उखाड़ के फेंक देगा जो व्यक्ति मेरी यह चरित्र की कथा को सुन लेता है। इसलिए मेरे को लीला करना है, ताकि मैं ऐसी लीला करूं जिस चरित्र को सुन सुन करके ही भव बाधा का शमन हो जाए। ये सबसे बड़ा दवाई है, इसलिए कथामृतम कहते हैं। तब कथामृतम, गोपी का गीत में कहा ना, तव कथामृतम, आपकी कथा रूपी अमृत का पान कर देंगे, अपने आप मोक्ष हो जाएगा। इसके लिए ही मैं जान करके मंद मध्यम अधिकारियों के लिए, जो सीधे ज्ञानाभ्यास ब्रह्म ज्ञान घुसता नहीं, जगत बजा ही नहीं, अरे कैसे होगा भाई, हम जीव है, ईश्वर है, सब है, हम मकान है, घोड़ा है, खाते पीते, दुनिया दिख रही है, कभी संसारी पता नहीं हुआ, कहाँ घुसेगा उसके दिमाग में? मन मध्यम अधिकारियों को बस की बात नहीं है वेदांत। इसके लिए मेरे को लीला करना पड़ा, मेरा चरित्र कथा, चरित्र की कथा रूपी महान औषधि के द्वारा भव बाधा की शमन हो सकती है। ये तदर्थ मेरे सारे अवतार है, सारा लीला यही मुख्य कारण, ये सब गौण का। इसी बात को सारी जो तीन प्रश्न तीन जवाब जो थी उसको व्यास जी ने एक श्लोक में डाल दिया, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जो यह दिव्य जन्म मायामय जन्म, सशरीर जन्म नहीं होता, भगवान का जन्म जो है शरीर विशिष्ट नहीं है। विचार आया था ना कल टीका में, देखा था हम लोगों ने ऐसा, किस प्रकार शरीर मानोगे आप? स्थूल सूक्ष्म सारा विकल्प खत्म, उसका शरीर हो ही नहीं सकता। जो नित्य सच्चिदानंद घन स्वरूप है, नित्य मुग्ध है, उसका शरीर कहाँ से हो सकता है? असंभव है। इसे मेरा यह मायामय शरीर होता है ऐसे जो जानेगा, और मेरे जो कर्म भी है वो दिव्य होता है ऐसे जो जानता है, यो व्यक्ति एवं इस प्रकार से जो जानेगा तत्वतः, केवल जानेगा नहीं वास्तव में जानेगा। जानने और वास्तव में जानने में अंतर क्या होता है?
जानना मैंने शब्दार्थ को समझ लेना। हाँ भगवान ने ऐसा लीला कर दिया, कह दिया दुनिया के सामने बड़े रोते रोते आंखों में आंसू टपटा बोल दिया तो लाखों रुपया मिल जाता है। हाँ इसमें थोड़ा बाजा वाजा भी लगा देंगे थोड़ा और बढ़िया, सबके भी आंखों में आंसू आ जाएगा, अपनी क्यों है? बड़े चालाक होते सिनेमा एक्टर जैसे हो गए आजकल कथाकार लोग, वो रखते पास में वो होता है उसको जो है यूँ कर दें यूँ कर देंगे यूँ कथा करते करते ना। आप देखेंगे टीवी में भी मैंने देखा है, एक बार जो बॉम्बे में था ना आपका प्रसंग, एक बार देख रहा था कथाकार बोल रहा है जो आस्था चैनल में, वो बार बार कभी कभी यूँ कर लेता था, यूँ करने के बाद आंखों में आंसू टपकता था। इसमें बात क्या है, ध्यान देखो सो हो ये अंगुली जो है एक डिब्बा में घुस रहा है यार, और डिब्बे से वो चीज़ वो लगा दे रहा हूँ और दिखाने दुनिया को यूँ पोछने के जैसे कर दे रहा हूँ। अब उससे कि जलन सा होती है वो चीज़ होती है, जैसे एक्टर से डालते ना आंसू दिखाने के लिए, ग्लिसरीन में थोड़ा और उसमें वो होता है थोड़ा तेजी होती है, दूसरा कुछ नाम है उसका, वो लगा देते हैं लगाते हैं टक टपट आंसू। मैंने कहा कथाकार बड़ा चालाक है, पकड़ लिया हमने। अब उसमें क्या करते म्यूजिक डाल दिया साथ में, सर दुनिया में उसको देखा देखे रोएगा, म्यूजिक में थोड़ा हृदय को थोड़ा असर करता है, वैसे भाव को तो क्या करें तुरंत रोने लग जाए। ये चालाकी है लोगों की, तो इसलिए वो जानते हैं कथा को जानते हैं और उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, और तत्वतः जानना नहीं है। तत्वतः व्यक्ति विशेषण दिया दो कारण, एक तो अतत्व से जानने वाले क्या कहेगा, अरे भगवान कृष्ण तो क्या है गोपियों के साथ नाच रहा था अनेकों पत्नियों वाला था, ऐसा ऐसे उल्टा सीधा बोलेंगे। जो तत्वता नहीं समझते हैं भगवान के कर्म को दिव्य करके, वो उसके अदिव्य स्वरूप को देख करके तो बाह्य रूप को देख करके आरोप लगा देंगे, यथार्थ स्वरूप है उनका। हर चीज का दो स्वरूप होता है, यथार्थ स्वरूप एक अयथार्थ स्वरूप। जैसे घड़ा है उसके यथार्थ स्वरूप क्या है मिट्टी है, अयथार्थ स्वरूप क्या है कंबुक रिवाली मत वगैरह जो है, लेकिन व्यक्ति अयथार्थ स्वरूप में टिका रहता है यथार्थ स्वरूप की ओर जाता ही नहीं। मृत्यु का सत्य में यथार्थ स्वरूप है उसको कोई नहीं देखता, इसे ईश्वर का भी यथार्थ स्वरूप है यथार्थ स्वरूप है। ये जो बाह्य लीलाएं हैं ये अयथार्थ स्वरूप है, उसके यथार्थ स्वरूप क्या है दिव्य है उसको कौन जानता है। अब बाह्य स्वरूप को लेकर व्यवहार कर रहे हैं उसी में भक्ति कर रहे हैं, उसे दोष भी देखते हैं। इसे यह संबोधन भी अर्जुन है बहुत संभाल करके दिया हुआ संबोधन है। अर्जुन पेड़ कैसा होता है, काला और अंदर से बिल्कुल लाल होता है, बाहर से छिलका जो उसकी त्वचा ब्लैक है काला, और त्वचा को उत्पाटन करो लाल। काला अज्ञान का द्योतक है और लालिमा चेतनता का द्योतक है, इसे यह अर्जुन संबोधन दे रहे हैं। इसमें जो यथार्थ स्वरूप जो है अज्ञानमय मायामय जो स्वरूप है ये क्या है मायामय स्वरूप बाह्य, इससे ऊपर उससे भीतर विद्यमान जो सर्वव्यापक चैतन्य स्वरूप है उसको जो ग्रहण करेगा वही तत्वतः व्यक्ति। इसलिए हे अर्जुन संबोधन दे रहे कि अंदर जो होगा लाल कैसा है वो कण कण लाल है, अंदर पूरा पेड़ में ठोस जो भाग है 100% लाल, हर कण लाल होता है कहीं सफेद ही नहीं हो उसमें, तो पेड़ ऐसे लक्षण ब्लैक होता है बिल्कुल डार्क ब्लैक इसका त्वचा, और अंदर में बिल्कुल रेड कलर, अंदर की जो लकड़ी वही बेचते हैं दुकानदार लोग, इसे उबालेंगे तो चाय बन जाती है बिल्कुल लाल चाय, चाय रंग आ जाता है उससे इतना रेडनेस होता है उसके अंदर, चाय पत्ती की जरूरत है वो डाल दे तो लाल हो गया, दवाई का दवाई हार्ट की हाट का दवाई है और छाल भी दवाई है, अर्जुन छाल से भी बनाते अर्जुन से भी बनाते, छाल में भी इतनी ताकत है इसकी भी दवाई बनती है हार्ट के लिए। यहां तात्पर्य था कि बाहर से अज्ञान को आवरण है माया में शरीर है मेरा, लेकिन वास्तव में ये शरीर से विशिष्ट मैं नहीं हूं, इस शरीर से परे हूं मैं, शरीर से अपरिच्छिन्न मेरा चैतन्य स्वरूप है, उस चैतन्य स्वरूप पर जो ध्यानेगा वही वास्तव तत्व तो मुझे जानेगा। अतएव ऐसा जानने वाले व्यक्ति देह त्यक्त्वा पुनर्जन्म न एति, एक बार उसके यह शरीर मर जाए दोबारा पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होगा। क्यों हे अर्जुन सो माम एति, वह मुझे ही प्राप्त करता है, अर्थात मेरा स्वरूप
जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसी को प्राप्त कर जाता है, जो उसको खुद का स्वरूप है। अलग नहीं है ना, जीव ब्रह्म एक ही है। जो जीव का अपना स्वरूप था वही परमात्मा का स्वरूप है, वह सच्चिदानंद है, उसी को प्राप्त कर जाता है, इसे उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तज्जन्म इति जन्म माया रूपम, भगवान स्पष्ट कर दे वाचार, इसलिए शरीरादि रूपम नहीं वह, पर शरीरादि भी माया के भाषित हो रहा है, केवल माया रूपम। इसे जिसको जैसे दिखाना चाहे वैसे दिखा सकते हैं, वो जिसके सामने जैसे दिखना चाहे वैसे दिखाई देते, जो स्वरूप चाहे वो स्वरूप दिखाई दिया। माया रूपम कर्म च साधु परित्राण आदि, कर्म क्या है जो पूर्व जो श्लोक में साधु परित्राण दुष्कृत विनाश धर्म संस्थापन, मे मने ममा च समुच्चय करने के लिए है, यहां पर भी समुच्चय अर्थ चकार है, और मेरा जो कर्म है, मेरा या मायामय जन्म और मेरा जो मायामय कर्म, और जन्म मैंने उत्पत्ति भी तीन प्रकार की समझनी चाहिए थोड़ा सा, यहाँ और एक श्लोक में बोल दूंगा। उत्पत्ति जो होता है तीन प्रकार से मानी गई, इसलिए एक का नाम जन्म है, दूसरे का नाम समागम संभवानी समागम, और तीसरा नाम है प्राकट्य। उनका लक्षण है अनित्ये जननम नित्ये परिच्छिन्ने समागम नित्य अपरिच्छिन्न तनौ प्राकट्यंचेति सात्रधा। प्राकट्य नाम इस प्रकार से सा उत्पत्ति त्रिधा, वो उत्पत्ति तीन प्रकार की, अनित्य जननम जो अनित्य जीव हैं इनको वर्ण क्या कहा जाता है, इनका शरीर का जन्म हुआ ये उत्पत्ति एक, और नित्य परमात्मा कर्म दो चीज, या तो संभवामी या प्राकट्य। नित्य यदि परिच्छिन्नता का दर्शन हो रहा है तो समागम, नित्य परिच्छिन्न समागम, और नित्य अपरिच्छिन्न तनव, नित्य अपरिच्छिन्न मय शरीर में कुछ भासित होता है तो प्राकट्यं चेति सात्रधा, उसका नाम प्राकट्य। जैसे केनोपनिषद में यक्ष का प्राकट्य, केनोपनिषद यक्ष का दृष्टांत तो प्राकट्य, और नित्य परिच्छिन्न शरीर का दृष्टांत कृष्ण का संभवानी, और हम सब का तो ही है उसी नित्य चैतन्य में, अनित्य जीवात्म भाव को लेकर के जन्म की कथा हो। अनित्य जन्म नित्य, अनित्य जननम नित्य, अनित्य जननम नित्य परिच्छिन्ने समागम, परिच्छिन्ने समागम नित्य अपरिच्छिन्न तनौ, नित्य अपरिच्छिन्न तनौ प्राकट्यंचेति सात्रधा। तीन प्रकार की उत्पत्ति मानी गई है, तीनों ही नित्य चैतन्य में। नित्य चैतन्य में जब अनित्यता की कल्पना कर लिया तो उसको जननम जन्म की मानी गई है, और उसी नित्य चैतन्य में परिच्छेद की कल्पना कर लिया तो वह प्राकट्य अपने संभवानी, वह संभवानी समागम कहते हैं, और उसी नित्य चैतन्य में नित्य चैतन्यमय शरीर में किस चीज का तत्काल मात्र आविर्भाव होकर दिखाई देता है, वो भाषित होता है तो वो प्राकट्य कहते हैं। इसमें तीनों का अलग अलग दृष्टांत है, पहला दृष्टांत हम लोग स्वयं है, दूसरा दृष्टांत जो कृष्ण राम अवतार आदि हैं, और तीसरा दृष्टांत उपनिषदीय यक्षादि है। अच्छा मे मम इस प्रकार के जन्म, इसलिए माया रूपम जन्म, कर्मच साधु परित्राण आदि दिव्यम अप्राकृतम, ये सब कैसे हैं अप्राकृतम ईश्वरम ईश्वर संबंधी, इस पर से जो जाने के एवं यथोक्तम यो वेत्ति तत्वतः।